असलम स्टूडेंट्स ऑफ्सो यूल गुड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेनिजम ऑफ इन्जाइम एक्शन स्टूडेंट्स वन वी टॉक अबाउट द मेनिजम ऑफ इन्जाइम एक्शन बेसिकली वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक डैट हाउ द इन्जाइम वर्क जो इन्जाइम है वो किस तरह से अपनी फंक्शन फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं किस तरह से वो सब स्टेट के साथ अटैच होते हैं और एट द एंड वो चेंज भी नहीं होते और प्रोडक्ट भी बना देते हैं सो वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन दिस टॉपिक स्टूडेंट्स वन वी टॉक अबाउट द इजाइम्स यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा जो फर्स्ट थिंग होती है यहाँ पे वो इन्ज़ाइम और सबस्टेट का कॉम्प्लेक्स बनता है इंजाइम अटैच हो जाते हैं सब के साथ और जब इंजाइम सब के साथ अटैच होते हैं दे ये टेम्पोरेली अटैच होते हैं परमानेंटली अटैच नहीं होते आफ्टर डैट दे फॉर्म आ कॉम्प्लेक्स डैट वी कॉल्ड एज द ई एस कॉम्प्लेक्स अटैच होने के बाद वो एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जिसको हम ई एस कॉम्प्लेक्स कहते हैं और ये ई एस कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या है इट इस इंजाइम सब्स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये इंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स है जिसकी फॉर्मेशन होती है वेन द इंजाइम टेम्पोरेली अटैच विद द सब्स्ट्रेट आफ्टर डैट वट हैपन जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है इंजाइम कैटालाइज करते हैं रिएक्शन को रिएक्शन को कैटालाइज करने का क्या मतलब है कि अब इंजाइम एक रिएक्शन को स्पीडअप कर देंगे रिएक्शन स्पीडअप हो गया उसकी एक्टिवेशन एनर्जी इंजाइम ने लो कर दी आफ्टर डैट वट हैपन इन्ज़ाइम उस सबस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर देते हैं जो सबस्ट्रेट बनी थी उसको ट्रांसफ़र कर देंगे इन्जाइम इनटू द प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी और जो इंज़ाइम है अब इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से हमारे पास क्या बन गया है एक नई प्रोडक्ट बन गई है सो स्टूडेंट द रिएक्शन इज़ लाइक दिस आप यहाँ पे देख सकते हैं ई e रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंजाइम को एंड एस इज़ रिप्रेजेंटिंग द सबस्ट्रेट इंजाइम सबस्ट्रेट वेन दे कम्बाइंड टेम्पोरेली दे फॉर्म द ई एस कॉम्प्लेक्स एज यू कैन सी ओवर हेयर ये ई एस कॉम्प्लेक्स बनेगा और ई एस कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा कि इन्जाइम सेपरेट हो जाएगा और जो सब्सिट थी डेट इज़ कन्वर्टेड इंटू द प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी सो so, इस तरह से हम प्रोडक्ट गेन करते हैं ऐट द एंड ऑफ द रिएक्शन एंड द इन्जाइम रिमेन्स अनचेंज ऑल एट स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मॉडल्स जो इंजाइम के एक्शन में हेल्प करते हैं लाइक like अगर हम बात करें कि अगर इंजाइम अटैच हो रहा है सबस्ट्रेट के साथ जब इंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होता है देन वर्ट हैपन ऐसा नहीं होता कि इंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जाके कंबाइन हो जाए दे कंबाइन विद द सबस्ट्रेट इन अ स्पेसिफिक वे एक स्पेसिफिक वे में एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम अटैच होता है और जहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो नॉर्मल वे में वर्क कर रहे हो लाइक अगर टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर like हो अगर हम पी की बात करें वो ऑप्टिमम पी हो सब की कंसनट्रेशन की एक स्पेसिफिक अमाउंट हो सो देन द इंजाइम कैन परफॉर्म देयर फंक्शन परफेक्टली यहाँ पे बेसिकली हम डिस्कस करेंगे टू मॉडल्स जिनके थ्रू इंजाम अपनी फंक्शनिंग करते हैं द फर्स्ट मॉडल डेट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द लॉग एंड की मॉडल बेसिकली स्टूडेंट्स वन वी टॉक अबाउट द लॉक एंड की मॉडल ये मॉडल हमें ये बताता है कि जिस तरह से एक की स्पेसिफिक होती है एक लॉक के लॉक के लिए इसी तरह से इंजाइम स्पेसिफिक है अपनी सबस्ट्रेट के लिए ऐसा नहीं है अगर आपके पास एक लॉक है और आपके पास एक की है ऐसा तो नहीं होता कि आप एक की से दूसरा लॉक भी ओपन कर सकते हैं या फिर आप जो एक लॉक है उसको आप कहीं भी लगा कर और आप उसे किसी भी की से ओपन कर सकते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है सेम इज़ द केस विद द इंजाइम्स इंजाइम्स भी अपनी फंक्शनिंग इसी तरह से परफॉर्म करते हैं हर इंजाइम्स स्पेसिफिक होता है एक सबस्टेट के लिए उस सबस्टेट के अलावा वो किसी दूसरी सबस्टेट पे अपनी फंक्शनिंग ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकता जैसे वो स्पेसिफिक सबस्टेट में करेगा सो so, स्टूडेंट्स नाउ वी विल टॉक अबाउट द लॉक एंड की मॉडल बेसिकली जो ये लॉक एंड की मॉडल है ये किसने दिया था इट इज़ गिवन बाय अ जर्मन केमिस्ट इमल फिशर इन 1894 एक जर्मन केमिस्ट ने ये मॉडल रिप्रेजेंट किया था इमल फिशर ने 1894 में एंड स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल व्हेन आ सब अटैच विद द इंजाइन जब एक सब एंजाइम के साथ अटैच होती है दे बोथ हैव द स्पेसिफिक शेप दिस इज़ द दबस्टेट एंड दिस इज द एंजाइम, एज यू कैन सी ओवर हेयर जो सब्स्ट्रेट है उसकी भी एक स्पेसिफिक शेप है और जो एंजाइम है उसकी भी एक स्पेसिफिक शेप है सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल व्हेन अ सबस्टेट अटैच विद द इन्जाइम दे बोथ हैव द स्पेसिफिक शेप पहली बात तो ये है कि दोनों की स्पेस स्पेसिफिक है सेकेंड थिंग इज डैट कि शेप स्पेसिफिक uh, होने की वजह से दे कैन फिट एग्जैक्टली इनटू वन एन अदर एज यू कैन सी ओवर हेयर कि जो इंजाइम है वो अटैच हो गया है सबस्ट्रेट के साथ वो फिक्स हो गया है सबस्ट्रेट के साथ सो so, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना है उसको हम कहते हैं इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वेन द इन्जाइम वेन अ स्पेसिफिक इन्जाइम डेट हैव द स्पेसिफिक शेप अटैच विद द स्पेसिफिक सबस्टेट दैन वट हैपन एंड इनजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल एंड देन स्टूडेंट्स वट हैपन दिस मॉडल एक्सप्लेन बेसिकली इन्जाइम स्पेसिफिकिटी अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इन्जाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स बन गया इन्जाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन होगी और इन्जाइम एट दी एंड आपको ऐसे ही मिलेगा जैसे आपने रिएक्शन के स्टार्ट में उसको ऐड किया था सो दिस मॉडल इज़ नोन एज द लोक एंड की मॉडल एंड वेन वी टॉक अबाउट द लोक एंड की मॉडल दिस मॉडल एक्सप्लेन द स्पेसिफिसिटी ऑफ इन्जाइम आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन विच मॉडल एक्सप्लेन द स्पेसिफिसिटी ऑफ इन्जाइम दैन यू एट दैट टाइम यू विल एक्सप्लेन द लोक एंड की मॉडल आपने लोक एंड की मॉडल एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ द डाग्राम क्योंकि इसी मॉडल के अकॉर्डिंग इंजाइम और सबस्ट्रेट की शेप स्पेसिफिक होती है सो द इंजाइम अटैच विद द एक्टिव साइट ऑफ द इंजाइम एक्टिव साइट में यू नो वेरी वेल डेट दिस इज़ द साइट ये वो साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट ने अटैच होना है और यहाँ से रिएक्शन प्रोसीड करता है सो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल फॉर लॉक एंड की मॉडल नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एन अदर मॉडल फॉर द मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन डेट इज़ इंड्यूसड फिट मॉडल

आई एम टोकिंग नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टिव साइट एक्टिव साइट जहाँ पर आके सबस्टेट नहीं अटैच होना होता है बेसिकली ये जो एक्टिव साइट है ये एक रिजिट स्ट्रक्चर नहीं है एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लॉ कैंड की मॉडल जैसे हमने लॉक एंड की मॉडल में डिस्कस किया था कि जो एक्टिव साइट है वो एक रिजिट स्ट्रक्चर है वो एक स्पेसिफिक शेप है जहाँ पर आके जो सबस्टेट है वो अटैच हो जाती है बट अकॉर्डिंग टू इंडस्ड फिट मॉडल जो एक्टिव साइट है इट इज़ नॉट अ रिजिट स्ट्रक्चर ये रिजिट स्ट्रक्चर नहीं है और जब इसके साथ आगे कोई भी सबस्टेट यहाँ पर यह सबस्टेट है जब इसके साथ आगे कोई भी सबस्टेट अटैच होती है और इन्जाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है दैन वट हैपन जो एक्टिव साइट है वो अपने आप को मॉडिफाई करती है वो अपनी शेप को चेंज करती है इस मॉडल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो एक्टिव साइट है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है और एक्टिव साइट अपने स्ट्रक्चर को मोल्ड कर सकती है एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट मतलब ये कि वो सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर लेगी अपने आप को मोल्ड कर लेगी इट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर टू परफॉर्म इट्स फंक्शन सो इन साइम कैन इट्स फंक्शन इन अ बेटर वे दिस इज़ द इंडस्वीट मॉडल स्टूडेंट्स जो बेसिक इसको कंसीडर किया जाता है मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू द लॉक एंड की मॉडल और ये बेसिकली मोडिफिकेशन है लॉक एंड की मॉडल की जिसमें सिर्फ आपको ये एडिशन की गई है कि जो एक्टिव साइट है डेट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर वेन अ सबस्ट्रेट अटैच विद द व्हेन अ सबस्ट्रेट अटैच विद द इंजाइन देन वट हैपन द एक्टिव साइट मोल्ड मोल्डेड या मोल्ड हो जाएगी और मोल्ड होने के बाद क्या होगा कि इंज़ाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा इन्जाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अगेन वी गोट द प्रोडक्ट एंड द इन्जाइम रिमेंस अनचेंज सो स्टूडेंट दिस इज़ फिट मॉडल आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं वट इज़ फिट मॉडल एक्सप्लेन फिट मॉडल और यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है वाई द फिट मॉडल इज़ मोर एक्सेप्टेबल बेसिकली जो फिट मॉडल है ये मोर एक्सेप्टेबल इसी रीजन की वजह से है कि जो एक्टिव साइट है ये कंसीडर किया जाता है कि अपने आप को मोल्ड करती है इनजाइन सो दिस अबाउट द इंड मॉडल होप सो स्टूडेंट्स ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू थैंक यू सो मच लॉक and की मॉडल the lock and key model is one of the earliest models proposed for the mechanism of enzyme action. it was proposed by emil fischer in the year 1894 it was proposed based on the fact that enzymes are very specific for the substrate this is just like keys are specific for the locks according to this model the active site of enzyme has same conformation as that of substrate. This allows binding of substrate in the active site of the enzyme just like key fits in the log. The enzyme then acts on the substrate and converts it into a product. One of the major drawbacks of this proposal is that it fails to explain the transition state that occurs when enzyme binds with its substrate. hey guys quick back Mr. basics here let's talk about induced fit model induced fit model was introduced because of the drawbacks of lock and key model the lock and key model assumed that the active site of the enzyme has same conformation as that of the substrate the same conformation of the active site makes the enzyme very specific for the substrate when scientists were investigating enzymes they discovered that the enzyme binds its substrate and substrate is converted into an intermediate state or a transition state before getting converted into final product the lock and key model assume that the active site is rigid and have the same shape as that of the substrate so the question arises how does an intermediate or the transition state forms when the active site is rigid the lock and key model failed to explain this phenomenon and hence a new model known as the induced fit model was proposed. According to this model, the active site of enzyme is not rigid but it's flexible and can have different conformation. This model assumed that the amino acids present at the active site will determine the specific binding of the substrate with the enzyme. Once the substrate binds the enzyme, the conformation of active site gradually changes and attains conformation as that of the substrate molecule hence it is known as induced fit model the conformation of active site further keeps changing until product is formed and released